अखिल भारतीय अखाड़ा संघ परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ा नया नया खुलासा दिन ब दिन हमारे सामने आता जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान में हमारे बीच महंत गिरी की मौत से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा हमारे सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। उनके शव को फंदे से लटकता हुआ पंखे पर पाया गया। महंत गिरी की मौत पर प्रशासन कुछ और कह रही है, पुलिस का कुछ और कहना है, वहीं सीबीआई जांच के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, तो वहीं जनता कुछ अलग सी कयास लगाए जा रही है। जी हाँ, लेकिन वर्तमान में इस घटना से जुड़ा एक नया खुलासा हमारे सामने आया है। जिस रात महंत की मौत होती है, उस रात बाघम्बरी मठ में लगाए गए 47 कैमरों में से 15 कैमरे बंद पड़े मिलते हैं। बिजली विभाग से जब इसकी जांच की गई और पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ साधुओं और संतों का कहना है कि बिजली उस रात 11:58 से 12:23 तक नहीं थी। लेकिन ऐसे में भी एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि बाघम्बरी मठ में जनरेटर के साथ इन्वर्टर की भी सुविधा उपलब्ध थी। मैं आपको बता दूं कि इस सनसनीखेज खुलासे के आने से पहले भी जनता कुछ कयास लगा रही थी। जनता के मन में पहले भी कई प्रश्न उठ रहे थे, जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना था कि महंत गिरी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो सिर्फ हस्ताक्षर करते थे, तो कैसे आखिरकार उन्होंने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिख दिया। ऐसा दावा किया जा रहा था कि वीडियो के जरिए महंत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि महंत गिरी ने प्रशासन की मदद आखिरकार क्यों नहीं ली, क्योंकि महंत की पहचान मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक थी। सरकारी कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन की मदद भी गिरी ले सकते थे। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जो सुसाइड नोट था, उसे वसीयतनामे की तरह उन्होंने क्यों लिखा? क्या महंत गिरी पर किसी का दबाव था? तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या? सीबीआई के भी संख्याओं को बढ़ा दिया गया है, 12 से 19 कर दिया गया है। तो आगे इस घटना से जुड़ा कोई भी सनसनीखेज खुलासा होता है, तो उसको लेकर हम आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।